अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। हमें नेरे में चंड पड़ गई, सो ये नेरे में चंड पड़ गई, चंड समझ देना तफा, ये नेरे में तफा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज वेरी 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 एम्बेरसिंग। ये है टीम इंडिया। पैचर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, पैचर्स आर एक्सबिटेड। टीम इंडिया हैज एक्सबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। जडेजा आएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जब कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव दिल गुर्दा। और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है, और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी है, आगे बढ़ते जाना। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि यहाँ से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए, आप गिरे नहीं। आप ODI वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जारी है और तमाम तर टीमें अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं अपने अपने मैचेस के अंदर। आज 8 अक्टूबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला गया, जिसका आगाज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। बैटिंग का आगाज ऑस्ट्रेलिया कुछ अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो लोग बैट्समैन कोशिश करते करते सिंगल डबल करते करते स्कोर को 200 तक ले गए। लेकिन जब बारी आती है भारत की बैटिंग करने की, तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर भी तगड़े हैं और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत तगड़े हैं और भारत बैट्समैन उनके सामने टिक नहीं पाते। भारत का जो बैटिंग अटैक है, जो बैटिंग ऑर्डर शुरू में ही लड़खड़ा जाता है, शुरू के 3 विकेट 5 से 7 रन तक गिरती है। उसके बाद बारी आती है विराट कोहली की। विराट कोहली अपनी जो पुराने प्लेयर वाले मंझे प्लेयर वाली बारी खेलते हैं, जिस हालात में टीम को जरूरत थी कि कोई आके टीम को सहारा दे, गिरती हुई दीवार को रोके, वो सहारा दिया विराट कोहली ने। बहुत सारे पिछले मैचेस में विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे और तमाम तरह उनके मुखालिफ जितने भी हैं वो यही कह रहे थे कि विराट कोहली को टीम से निकाला जाए। लेकिन आज इस मैच में विराट कोहली 85 रन की शानदार इनिंग खेली, सिंगल डबल करते रहे, लेकिन टीम को जरूरत सिंगल डबल की। जिस हाल में विराट कोहली ने आज टीम को संभाला था, लग नहीं रहा था कि इंडिया टीम मैच जीतेगी। हाँ, सूरत हाल ये बता रहे थे कि इंडिया टीम मैच हार जाएगी, क्योंकि इंडिया टीम के सारे गर्दिश में थे। लेकिन विराट कोहली ने आके टक्कर दी सितारों को और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि टीम को कहां से उठाकर कहां लेकर आए। जब विराट कोहली आए हैं तो उस वक्त टीम का रन 5 था, लेकिन वो 5 से उठाकर 200 तक लेके गए हैं और अभी कुछ ओवर बाकी थे। सिंगल डबल करते रहे क्योंकि प्रेशर बहुत था। प्रेशर के अंदर में शानदार बारी खेली है, जिसकी वजह से भारत टीम फतह से हमकिनार हुई है। अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। हमें नेरे में चंड पड़ गई, सो ये नेरे में चंड पड़ गई, चंड समझ देना तफा, ये नेरे में तफा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज वेरी 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 एम्बेरसिंग। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एक्सबिटेड। टीम इंडिया हैज एक्सबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने। जडेजा आएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे, हर जब कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव दिल गुर्दा। और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है, और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी है, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि यहाँ से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए। उठने से मुझे देखिए, आप पाए चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मज़ा आता है देखने में कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मज़ा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया। लेकिन अगेन बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी भाई, देखो आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीज़ें हैं। सो आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ।